मेले हमारी उच्च परंपरा की धरोहर हैं। यह परंपरा ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। यह बात भाजपा नेता डीडी ठाकुर ने पंडो में जारी माता त्रिपुरा भैरवा मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। पंडो में जारी माता त्रिपुरा भैरवा का प्राचीन मेला संपन्न हो गया। भाजपा नेता डीडी ठाकुर ने मेले का समापन किया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें देवी देवताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद डीडी ठाकुर ने माता त्रिपुरा भैरवा के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने संबोधन में डीडी ठाकुर ने कहा कि मेले हमारी उच्च परंपरा की धरोहर है, यह परंपरा ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। उन्होंने मेला कमेटी को मेले के सफल आयोजन को लेकर बधाई भी दी। आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मेला कमेटी का भी बहुत आभारी है, क्योंकि हमारे मेले हमारी जो उच्च परंपरा के द्योतक है, क्योंकि समृद्ध शाली जो हमारी परंपरा है ये बनी रहनी चाहिए। शांति, अमन, चैन और भाईचारे के लिए ऐसे ही मेले जिसमें सभी रंग बिरंग और सभी समुदाय के लोग भाईचारे में एकत्रित होकर इकट्ठे इस मेले में इकट्ठे होते हैं और अपनी एकता का परिचय देते हैं। हमारी सरकार की कोई मदद के बगैर, स्थानीय एमएलए और स्थानीय मंत्री जी शर्मा की मदद के बगैर और जनता के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से इस मेले को जो आपने संपन्न किया है। इस मौके पर मेला कमेटी के प्रधान महेंद्र पाल ने मुख्य अतिथि को शॉल और माता का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया और मेले के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेला एक छोटे से स्तर से शुरू होकर आज इस मुकाम तक पहुंचा है और इस मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई गणमान्य नेताओं ने शिरकत कर इसकी शोभा बढ़ाई है। और मेले को आगे बढ़ाने में जो है जो योगदान रहा, मैं सभी का अपनी पंचायत के लोगों की तरफ से, क्योंकि पंचायत की इसमें जो है बहुत बड़ी भूमिका रहती है, पंचायत के लोगों की भूमिका रहती है, क्योंकि ये कम से कम 40-45 पॉइंट पंचायतों का एक जो है सेंटर क्षेत्र है, जिसमें जो है 40-45 पंचायतों के लोग जो है इस मेले में भागीदारी निभाते हैं। तो ये सारी जिम्मेवारी हमारी पंचायत के सेवक की, जनता और पंचायत सेवक की जो पंचायत बॉडी है उसकी बन जाती है। इस मौके पर स्कूली बच्चों और जुक्स महिला मंडल की सदस्यों ने नाटी और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य श्यामलाल, हरीश शर्मा, हेमंत राणा और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडो से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट।